So the question is 1.7 and an electrostatic field line is a continuous curve. That is, a field line cannot have sudden break. Why not? And the B question is, explain why two field lines never cross each other at any point. So let us understand first A. Okay. What it says that any electrostatic field line is a continuous curve and it does not have any sudden break. जैसे मान लो हमारे पास एक दो तरीके से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ. मुझे ऐसे मान लो अगर एक पॉजिटिव चार्ज है हमारे पास, तो आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज का जो फील्ड लाइन होता है ये ऐसे निकलेगा, ये फील्ड लाइन, और ये सपोज ऐसा बनाओ तो ये इधर से ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, और ये इन्फिनिटी तक जाता है. कि आप मान लो यहाँ पे अगर कोई चार्ज रखो टेस्ट चार्ज, तो यहाँ पे फोर्स फील करोगे, यहाँ रखो फील करोगे, यहाँ रखो फील करोगे, यहाँ रखो फील करोगे, यहाँ रखो फील करोगे, हर एक पॉइंट पे आपको फोर्स मिलेगा. आप किसी चार्ज को सडन यहाँ से अचानक से जंप करा के नहीं लेके जा सकते, ऐसा नहीं कि बीच में कोई जगह नहीं है जहाँ पे आप चार्ज को नहीं रख सकते. सो देयर विल बी प्लेस जहाँ पे आप चार्ज को पुट कर सकते हो और वहाँ पे इसके कारण फोर्स लगेगा इसके ऊपर. तो हर जगह जहाँ जहाँ फोर्स लगेगा वहाँ फील्ड होगा, फील्ड होगा तो फील्ड लाइंस भी होगा. तो दैट्स व्हाई एक पॉजिटिव चार्ज के कारण अगर फील्ड लाइन है तो वो हमेशा कंटिन्यूअस होगा. सपोज एक हम कर्व बनाते हैं, मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो ये एक डायपोल बना, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ डायपोल का ये कर्व होता है, ऐसा आपने देखा होगा. ये मान लो ये कर्व लाइन है, ऐसे करके बनाता है, ये आ रहा होगा और ये यहाँ पे आप एक चीज देखें, अगर ये जो कर्व मैंने बनाया, ये जो कर्व है, इस कर्व के बीच में कोई ब्रेक नहीं मिलेगा, ठीक है. तो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज से अगर ये निकला है फील्ड लाइन, तो नेगेटिव चार्ज फील्ड का, क्योंकि आप यहाँ पे अगर कोई चार्ज लाओ टेस्ट चार्ज, तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो यहाँ पे इस टेंजेंट के अलावा, यहाँ पे रखोगे इस कर्व के टेंजेंट के अलावा, यहाँ पे रखोगे तो, क्योंकि इस रीजन में इस लाइन पे आप कहीं भी चार्ज को रखे तो हमेशा उसके ऊपर एक फोर्स फील होगा. इसका मतलब ये है कि there will be always a continuous curve, field lines curve, और यहाँ पे कोई sudden break नहीं होगा. ऐसा नहीं है कि field line यहाँ से चला और फिर यहाँ से आके start हो जाएगा. मैंने ये बनाई ऐसा के लिए नहीं, ये पूरा आके यहाँ connect करेगा. अगर दूर भी जाएगा तो फिर वो यहाँ तक आ रहा होगा, infinity से आएगा, दूर से आएगा, लेकिन end करेगा negative charge में, okay? या किसी दूसरे negative charge के पास जाएगा. अब देखो sudden break हो सकता है, ऐसा नहीं कि sudden break नहीं हो सकता है एकदम से. जैसे sudden break कैसे होगा, मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज मिलने का, इसका फील्ड लाइन अगर आप बनाओगे तो ये इन्फिनिटी तक जाएगा, लेकिन आप जैसे ही निगेटिव चार्ज यहाँ पे रखोगे तो ये क्या होगा, यहाँ पे इस तरीके से फील्ड लाइन बनेगा इसका, ठीक है. और यहाँ पे फिर अगर मान लो एक पॉजिटिव चार्ज बनाते हो, इसका फील्ड लाइन जो होगा फिर ये ऐसा होगा. तो यहाँ पे ये कंटिन्यूअस नहीं है, यहाँ पे आके आप देखोगे पॉजिटिव चार्ज के पास निगेटिव चार्ज के पास इंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन. तो कभी भी किसी चार्ज का फील्ड लाइन जो होगा ना, वो ब्रेक तभी होगा जब वहां पे कोई दूसरा चार्ज हो, ठीक है. अब आपको अगर सर टेस्ट चार्ज को लेके जा रहे हैं, तो टेस्ट चार्ज बस टेस्ट चार्ज होता है, जिससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को एज्यूम करते हैं, फाइंड करते हैं, ठीक है. तो टेस्ट चार्ज का अपना फील्ड लाइन नहीं होता, दैट्स व्हाई. तो आप कहीं भी अगर आप यहाँ पे कोई एक ओरिजिनल कोई चार्ज रखते हो जिसका अपना कुछ मैग्नीट्यूड होगा, तो ये भी जब फील्ड लाइन क्रिएट करेगा. सपोज मान लो यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज ही रखते हो, अगर एक पॉजिटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज रखो, ठीक है, तो इसके जो फील्ड लाइन बनेंगे वो इस तरीके से बनेंगे जो बाहर जाता हुआ होगा. तो यहाँ पे आप देखोगे कि इस जगह पे रीजन में या फिर यहाँ पे आपको एक इस तरीके से मिलेगा, या नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज में आपने देखा पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में, तो ये यहाँ से ऐसे करके एंड कर रहा है, तो यहाँ पे आके फिर ये रुक जा रहा है, ठीक है ना. फिर यहाँ पे आपको अलग से इस तरीके से ऐसा जाता वो मिलेगा. तो ये यहाँ पे आप समझते होंगे कि कर्व जो है यहाँ कंटिन्यू नहीं करता. कब नहीं करेगा कंटिन्यू, जब आप वहां पे कोई एक चार्ज लाके रख दो. ओके, सो क्वेश्चन बी, क्वेश्चन बी इज एक्सप्लेन व्हाई टू फील्ड लाइन नेवर क्रॉस ईच अदर. So let us assume that two field lines cross each other. मान लेते हैं दो फील्ड लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर रहे, तो मान लिया एक फील्ड लाइन ये बना लिया, एक दूसरा फील्ड लाइन ये बना लिया, और दोनों ने एक दूसरे को क्रॉस कर दिया. क्रॉस कर दिया, देखते हैं किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया. सपोज मान लिया यहाँ पे इस पॉइंट पे दोनों ने इंटरसेक्ट कर लिया. अब जो ये ब्लैक वाला फील्ड लाइन देख रहे हो, इसका जो इस पॉइंट पे फील्ड का डायरेक्शन होगा वो कुछ इस तरफ होगा, क्योंकि कर्व के ऊपर टेंजेंट होता है. और सिमिलरली आप ब्लू लाइन वाले के ऊपर देखोगे, जो ये ब्लू लाइन है, ब्लू लाइन के पास इसके टेंजेंट की तरफ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड. तो इस पॉइंट पी पे मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ये भी है और इलेक्ट्रिक फील्ड ये भी. आप देखेंगे एक इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड एक मैग्नीट्यूड निकालोगे जो भी निकलेगा, और इट इज हैविंग टू डायरेक्शन, दो दिशा मिल जाएगा इसी पॉइंट पे. तो कभी भी एक वेक्टर क्वांटिटी का एक पॉइंट एक इंस्टेंट पे टू डायरेक्शन इज नॉट पॉसिबल.
दो डायरेक्शन का वेव भी संभव नहीं है. सो दिस इज योर आंसर इन वर्ड्स. ओके एंड आई हैव एक्सप्लेन्ड इट ऑलरेडी. यू कैन राइट इट इफ यू वांट टू राइट. ओके.